क्या कास्टिंग डायरेक्टर्स को फोटो भेजना सेफ होता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल ज्यादातर लड़कियों के मन में ही उठता होगा, और एक लड़की होने के नाते, एक कास्टिंग डायरेक्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको इस सवाल का जवाब दूं। तो अगर आपके भी मन में ये डाउट है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर। जब आप अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक्टिंग फील्ड में आते हो तो आपको सबसे पहले अपनी फोटोज भेजनी पड़ती है। चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर को भेजो, कोऑर्डिनेटर को भेजो, कास्टिंग एजेंसी वालों को भेजो या फिर आप प्रोडक्शन हाउस में भेजो, आपको फोटो भेजनी होती है। क्योंकि जब तक कि आप फोटो भेजोगे नहीं, लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि आप किस कैरेक्टर में जा रहे हो। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, ऑडिशन से पहले का जो प्रोसेस होता है, वो यही होता है कि आपको अपनी फोटोज भेजनी होती है, अपनी डिटेल्स भेजनी होती है। कई सारे लोग अपनी फोटोज नहीं भेजते, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मेरी फोटो का मिसयूज ना हो जाए। इनफैक्ट कई सारे लोग मुझसे ये सवाल भी पूछ चुके हैं। तो सबसे पहला तो प्रोसेस ये होता है कि आपको फोटो भेजनी होती है। क्या ये जो फोटो आप भेजते हो इसका कोई मिसयूज कर सकता है? तो मैं आपको सवाल का जवाब दूंगी, नहीं। कोई भी प्रोफेशनल बंदा, कोई भी जेन्युइन बंदा जो कि कास्टिंग डायरेक्टर हो, कोऑर्डिनेटर हो या प्रोडक्शन हाउस वाले, एजेंसी वाले हो, वो आपकी फोटो का कोई भी मिसयूज नहीं करेंगे और आप बिंदास उन्हें फोटो भेज सकते हैं। क्योंकि जब तक कि आप उन्हें अपनी फोटो नहीं भेजेंगे, वो आपकी फोटो देख करके ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आप किस कैरेक्टर में जा रहे हो? पहले वो आपकी फोटो देखेंगे, फोटो देखने के बाद फिर आपको वो ऑडिशन पे बुलाएंगे या फिर वो आपका ऑडिशन मंगवाएंगे। एक बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, किसी को भी फोटो भेजने से पहले आपको ये देखना है कि जिसको आप फोटो भेज रहे हो वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। मतलब अगर आप किसी को भी ऐसे फोटो भेजोगे, आपको पता ही नहीं कि आप किसको फोटो भेज रहे हो, जेन्युइन होना चाहिए, उसी इंसान को फोटो भेजें। आपको पता होना चाहिए कि आप किसको फोटो भेज रहे हैं, और ऐसे ही किसी को फोटो बिल्कुल भी ना भेजें, अपनी डिटेल ना भेजें जब तक कि किसी को जाने ना। एक लड़कियों के लिए एडवाइस भी देना चाहती हूँ कि कभी भी आप अगर ऐसे रैंडम किसी को ईमेल कर रहे हैं तो कभी भी उन फोटोज में आप अपनी ग्लैमरस वाली फोटोज ना डालें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी फोटोज किसके पास जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी फोटो का मिसयूज करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं भेजनी चाहिए। अगर किसी भी रैंडम बंदे को आप अपनी फोटोज ईमेल कर रहे हो, ग्लैमरस फोटोज ईमेल कर रहे हैं, तो कभी भी मत करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि सामने से लोग यही बोलते हैं कि आप अपनी ग्लैमरस फोटोज भेजिए और अपनी शॉर्ट कपड़ों की फोटोज भेजिए। तो आपको उस बंदे से सिर्फ यही पूछना है कि उसको किस प्रोजेक्ट के लिए ये फोटोज चाहिए। अगर आप शॉर्ट कपड़े पहनते हो, ग्लैमरस कैरेक्टर कर सकते हो, तभी आपको वो फोटोज भेजनी है, अदरवाइज आपको फोटोज बिल्कुल भी नहीं भेजनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद समझदार है कि आपको कैसी फोटोज भेजनी है, किसे फोटोज भेजनी है। मैंने एक कास्टिंग डायरेक्टर को कैसी फोटोज भेजनी है और डिटेल में क्या लिखना है उस पर भी एक वीडियो बनाई थी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि फोटोज कैसी भेजनी चाहिए, जो कि क्लिक मैंने खुद ही की थी एक ऑडिशन के दौरान। आपको हमेशा क्लियर फोटो भेजनी, मैं आपको ये बता दे रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको डिटेल इस वीडियो में बताई है उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।